आज डिनर बाहर है। वो पापा ने पेस्ट कंट्रोल को कहा था ना, वो अब जाकर आया है। वो लेटर्स, वो तो मेरे रूम में, कहीं वो लेटर्स पापा के हाथ नहीं। पापा, वो पापा पेस्टिसाइड से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आप ही मुझे दे दो। कहाँ चले गए सब लोग? जो भी हुआ है उसका कैसे पता लगा? कंचन जी, आज हमें ये लेटर्स पढ़ लेने दीजिए। आज देखिए 5 जुलाई यानी कि कंचन जी के एक्सीडेंट वाला दिन। कैसे बताऊं कि क्या हुआ है मेरे साथ? राधा अष्टमी के दिन तैयार होकर चहकती हुई घर से निकली थी, तब कहां पता था कि रास्ते मुझे जहां ले जाएंगे वहां से इस कंचन की वापसी नहीं। कंचन जी, जिन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो सब यहीं कहीं आसपास है। इन लेटर्स का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं। आज हमें ये लेटर्स पढ़ लेने दीजिए। सॉरी। अप्रैल 2015। माँ, आज मेरा बर्थडे था, याद है ना तुम्हें? 17th अप्रैल, तुम्हारे बिना पहला बर्थडे। पापा और कीर्ति ने पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी कमी कौन पूरी कर सकता है? आज तुम्हारी बहुत याद है, बड़ा मन किया कि तुमसे बात करूं। बात नहीं कर सकती, इसीलिए आज पहली बार तुम्हें चिट्ठी लिख रही। चिट्ठी कहीं पहुंचे ना पहुंचे, मैं जानती हूं मेरी बात तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। और पहली चिट्ठी के साथ थोड़ी खुशबू भी भेज रही हूं, गुलाब का फूल। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पता है पापा ने आज मुझे क्या दिया? वो तस्वीर जो मेरे पैदा होने पर खींची गई थी। भगवती, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। ला 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 ला, इसका नाम कंचन रखेंगे, जो तुमने सोचा था वही है। दादी को पोते की उम्मीद थी और आ गई मैं। बेटी, उस दिन दादी को लगा कि अब उनके वंश का क्या होगा, घर का चिराग कौन बनेगा। लेकिन पापा बताते हैं कि कई घंटे दर्द सहने के बाद भी जब तुमने मुझे गोद में लिया तो जैसे सारा दर्द जाता रहा। डबडबाई हुई आंखें चमक गई, थके हुए होठ मुस्कुरा उठे। दादी की नाराजगी को जैसे पापा और तुमने मुझ तक आने ही नहीं दिया। माँ, वैसे मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन वाकई बेटी की जगह बेटा हुआ होता तो एक बात तो पक्की कि कीरू के तो सारे मजे बंद हो गए होते। बस तुम्हें थैंक यू कहना था माँ, तुमने और पापा ने हमें कभी बेटा बेटी के फर्क का एहसास नहीं होने दिया। कभी नहीं कहा कि ये करो और ये तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। मेरे होने पर खुश होने के लिए शुक्रिया माँ, थैंक यू।
तुम्हें याद है इतनी सी थी मैं। दिवाली तब से मेरा सबसे फेवरेट त्योहार था। तुम बताती थी ना कि मैं कैसे महीनों पहले से रट लगाने लगती थी कि दिवाली कब आएगी कब आएगी कब आएगी। सारे आसमान के जगमगाने का मुझे कितना इंतजार रहता था। टेढ़ बिलांद की मैं और पापा के आगे पीछे ऐसे जुटी रहती जैसे मेरी मदद के बिना उनका कोई काम ही नहीं हो पाएगा। मेरे को करना है। अरे मैं करूंगा ना, मैं लगाता हूँ। अच्छा ठीक है, आप अंदर जाओ, बहुत सारा काम अंदर भी पड़ा है, आप वो कर लो। ठीक है, जाओ जाके मम्मा के साथ खेलो। जब तुम चूरमे के लड्डू बनाती तो उसकी मीठी मीठी खुशबू से सारा घर महक जाता था। जरा इंतजार नहीं होता था मुझसे? नहीं। कैसे मैं चुपके से चूरमे के लड्डू चुराकर भाग जाते और तुम मेरे पीछे पीछे कि पूरे घर में फैलाएगी। पता है माँ, इस आंगन में मुझे वो खुशबू कभी कभी आज भी आ जाती है। आज भी लगता है कि हाथ बढ़ाऊंगी तो तुम मिल जाओगी। आज भी यही लगता है कि त्योहार आएगा तो तुम आ जाओगी। मैं सोकर उठूंगी तो इसी पूजा घर में तुम देखोगी, खुशियों के दिए जलाती। दिए जलाने से ना अंधेरा दूर होता है, और पता है एक दिया यहाँ पर भी है। जब वो बुझने लगे ना तो हिम्मत नहीं हारना, और फिर देखना वो दिया बुझेगा ही नहीं, फिर से जलने लगेगा। कभी डरना नहीं हाँ मेरी बच्ची, ठीक है? वो याद है माँ, पूजा में बैठना और आरती के वक्त पापा से वही सवाल बार बार पूछना। अंजन को पुत्र दे ऐसा क्यों कहते हैं? बांजन को पुत्री दे तो ऐसा क्यों नहीं कहते? बेटा मैंने तो पुत्री ही मांगी थी, और देखो ना कितनी प्यारी बिटिया दी है भगवान ने हमें। अब ये आरती लिखने वाले को क्या पता कि बेटियां भी इतनी लायक होती हैं। मैंने ये सवाल इतनी बार किया कि तुमने आरती की लाइन ही बदल दी। बांझन को पुत्री दे, निर्धन को माया, तब जाकर मेरे सवाल बंद हुए। आज वही आरती चल रही थी, बहुत याद आई तुम्हारी। मिस यू माँ। याद है माँ, मैं एक बार होम साइंस में फेल हो गई थी। तुम्हें रिपोर्ट कार्ड दिखाकर ये मोटे मोटे आंसू से रोते हुए मैंने बताया था कि टीचर ने किस तरह मुझे डांटा कि मैं लड़की हूं और होम साइंस मेरे लिए जरूरी है, इस सब्जेक्ट में मैं फेल कैसे हो सकती हूँ। उस दिन तुम कितना गुस्सा हुई थी, तुम तो टीचर को फटकार लगाने को तैयार थी कि होम साइंस हो या स्पोर्ट्स, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए सारे सब्जेक्ट्स एक बराबर हैं। वो तो पापा थे जिन्होंने तुम्हें रोक लिया, तब कहीं जाकर तुम शांत हुई। शाम को पापा क्रिकेट बैट लेकर लौटे मेरे लिए। हेलो हेलो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं। जादू? आईज क्लोज करो, ओपन योर आईज। थैंक यू पापा, देख कितना अच्छा है ना। और फिर दादी का वो तंज मारना, हाथों में बेट के बजाय बेलन दो, आगे जाकर वो ही काम आएगा। माँ बेटी है मेरी, जो मन में आया करेगी, बैट हो या बेलन, अपनी उड़ान खुद भरेगी। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे काम किए जो मुझे पापा और तुम मिले। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है।
क्योंकि आज तुम्हारी बेटी ने अपने पैरों पर खड़े होने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। याद है तुमने मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया था, तो आज मैंने अपना पार्लर खोला और नाम पता है क्या रखा है? भगवतीज पार्लर, तुम्हारे नाम। पापा भी बहुत खुश है, जब मैंने उनके हाथ में अपनी पहली कमाई रखी तो वो कुछ बोले ही नहीं, बस मुस्कुराते रहे। यही गर्व मैं तुम्हारे चेहरे पर भी देखना चाहती थी। देखा, कहती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतनी दूर स्कूल नहीं जा सकता, मेरी तबीयत खराब रहती है। पर इसे नहीं पता कि इसकी ऐसी तरक्की देख के मेरा खून दुगना हो जाता है। पापा एक पल के लिए आज तुम बन गए थे, पापा नहीं माँ बन गए थे, जिनका दिल भर आया था और आंखें भी। वी ऑल मिस यू मॉम। तुम जैसे गई ना माँ, ऐसे कोई नहीं जाता। जैसे तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा जाते देखती हूँ, पापा की आंखों में, कीर्ति की बातों में, लेकिन फिर भी तुम यही हो मेरे अंदर। मैं सब संभाल तो लूंगी ना माँ। यानी कि कंचन जी के एक्सीडेंट वाला दिन। पर इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? लकीरों के निशान, लिखना चाहती थी वो? टेंथ जुलाई। क्यों 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 क्यों? आ जाओ मां, प्लीज आ जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। लेटर्स खाली क्यों है? क्या हुआ था 5 जुलाई को? नींद नहीं आ रही मां, सोना चाहती, मेरी आंखें सूज गई लेकिन सो नहीं पा रही। जैसे ही आंखें बंद करती हूं तो अंधेरा छा जाता है और मैं सिहर जाती हूं। मेरा दम घुट रहा है, तुम्हारी बेटी घुट रही है मां। आ जाओ, मुझे समेट लो,
मेरे सर पर अपना हाथ फेर दो। सो जाऊं मैं थोड़ी देर के लिए, बस बस थोड़ी देर के लिए। माँ, के बाद किसी भी लेटर में फूल नहीं। माँ, तुम तो कहती थी कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, झूठ कहती थी तुम मेरा दिल रखने के लिए। फर्क होता है, बहुत फर्क होता। आज पता चला कि लोग क्यों कहते हैं भाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। आज वही गाना फिर बजा, कानों को चीरता हूं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सब कुछ फिर सामने आ गया, खुद को संभाल ही नहीं पाई और चिप पड़ी। बंद करिए गाना। कंचन, ये हो क्या जाता तुझे? कैसे बिहेव करती है? सुन कंचन, क्या करूं मां, बहुत हिम्मत जुटाती हूं पर कुछ फूल ही नहीं पाती। जैसे मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ शोर है, एक ऐसा शोर जो सिर्फ सिर्फ मुझे सुनाई देता है। बेटा, एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है, उसमें इतना तू घबरा क्यों गई है? बेटा बोलो, डॉक्टर को बुलाऊं? दीदू, किसी को टक्कर मार दी है क्या, या ऐसा क्या देख लिया जो इतना घबरा गए हो आप? बेटा कुछ तो बोल ना, मुझे फिक्र हो रही है कंचन। सब ठीक है पापा, बस थोड़ी सी चौंक जाती हूँ। बेटा थोड़ा ध्यान से देख के चला करना। पापा से क्या कहूँ, कैसे बताऊं, देखभाल कर ही चली थी। पापा को फिक्र हो रही है मेरी और मुझे पापा की। अरे बेटा, कभी कभी स्कूटी को चला भी लिया कर, बारिश का मौसम है, वैसे भी जंग लग जाएगा इसको खड़े खड़े। पापा को क्या पता कि अब स्कूटी में कभी नहीं चला पाऊंगी। क्या कहूं उनसे, कैसे बताऊं कि क्या हुआ है मेरे साथ। पापा के सामने नहीं रोती, उसके लिए तुम्हारी गोद चाहिए। और जब बर्दाश्त नहीं होता ना, तो चुपके से कमरा बंद करके रोती हूँ, अपने दिल की भड़ास, अपनी घुटन निकालने की कोशिश करती हूँ। पानी और काजल मिलकर आंखों की सूजन छिपा देते हैं। दीदू, भूल नहीं पा रही हूं कुछ,
सब कुछ बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाता है। उस दिन के साथ मैं रोज लड़ती और हार जाती, किससे कहूं? तुम होती तो तू जरूर बताती कि राधा अष्टमी के दिन मंदिर जाना था। राधा अष्टमी को राधा रानी का सजा हुआ मंदिर मुझे कितना पसंद है आप तो जानती है ना। आप नहीं थी इस बार तो आपके साथ के लिए आपका दिया हुआ सूट पहन लिया। तैयार होकर चहकती हुई घर से निकली थी। बॉय पापा मैं जा रही हूँ। हाँ वो आती दफा शीतल को लेके आना। जी पापा। जाओ जाओ मुझे तो मत लेकर जाना आप। ओफो लड़की अगर तुझे लेकर जाऊंगी तो फिर टेस्ट की तैयारियां कौन करेगा? राधा रानी जी। हाँ और क्या, और हाँ मंदिर में मेरे लिए भी मन्नत मांग लेना। और हाँ शाम से स्कूटी सिखानी है मुझे, आपने कहा था और प्रॉमिस भी किया था, प्रॉमिस मत तोड़ना। चल ठीक है ठीक है मैं देखती हूँ, अभी तो पहले मुझे पार्लर जाना है उसके बाद में जाऊंगी। ठीक है चल बाय। बाय बाबा जी। बाय। स्कूटी के आगे उड़ती फिरती है ये। तब कहां बता था कि रास्ते मुझे जहां ले जाएंगे वहां से इस कंचन की वापसी नहीं। हाँ दीदी। अरे हाँ बाबा आप टेंशन मत लो, मैं पार्लर से निकल चुकी हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं मैं भीमा चौक से लेफ्ट लेने वाली हूँ, हाँ बैक रोड से आ जाऊंगा। ठीक है दीदी आप ना कुछ ठंडा पियो और अपने दिमाग को चिल रखो बस। ठीक है बाय। राधा रानी इस बार की रुको ना, अच्छे नंबर उसे पास करा देना बस। राधा अष्टमी के दिन तो औरतों को पूजा जाता है ना माँ, जहाँ राधा जी को महकते फूलों से सजाया जा रहा था उन्हीं फूलों पर मेरी इज्जत को कुचल रहा। कोई है? बचाओ! बचाओ! तमाम दियों की रोशनी से राधा जी के रूप को दमकाते हैं ना दोनों, मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया गया। वहां राधा रानी जी की जय जयकार हो रही थी।
और यहाँ मेरी चीखें दबा दी गई और वो आवाज इसमें अजीब सी दहशत थी। खत्म हो गई माँ, खत्म हो गई। सुना था औरत में बड़ी शक्ति होती है, तो माँ मेरी सारी शक्ति कहाँ चली गई थी उस वक्त? मैं क्यों इतनी कमजोर पड़ गई? गलत कहते, सब गलत कहते हैं। एक मर्द ने कायर की तरह अपना मुंह चोरों की तरह छिपाकर मेरी आवाज को दबाकर मुझ पर अपनी सारी ताकत आजमाकर एक ही पल में उसने मुझे बता दिया कि मैं कमजोर। कौन था वो मैं देख ही नहीं पाई, कायर कहीं का। और फिर मुझे उठाकर किसी लाश की तरह फेंक दिया। लाश ही तो थी, मैं जिंदा कहाँ थी माँ? फिर घर आना था ना माँ, कहाँ जाती? तो पापा बेहाल थे, जो हुआ वो बताती तब क्या होता।
नहीं, तुम्हारे बाद अब हम पापा को नहीं खो सकते। मैं मेरे साथ माँ, किसी ने मुझे मेरे साथ मैं क्या करूं माँ? माँ मैं क्या, मैं पापा से, पापा कैसे बर्दाश्त करेंगे? टूट जाएंगे, उनकी तबीयत, और क्या कहूंगी? वो कौन था? कौन मां, जिसने तेरी बेटी के साथ वो कौन? मैं कीर्ति नहीं, कीर्ति बच्ची, उसे कैसे माँ, मैं क्या करूँ माँ? जाओ, एक बार आ जाओ माँ, एक बार, या मुझे भी अपने पास बुला लो माँ, प्लीज प्लीज बुला लो माँ। उसने मुझे जीते जी मार डाला। रही थी अपने बदन से, गंदगी सी महसूस हो रही थी, सोच रही थी अब इसे कैसे साफ करूं। कैसे मिटेगा ये दाग? चीज से साफ करूं मां कि उसकी गंदी बू मेरी आत्मा से भी चली जाए? सुनसान शॉर्टकट से क्यों मुझे नहीं जाना चाहिए था? कीर्ति आई, मेरी हालत देखकर ही वो इतना परेशान हो गई कि रोने लगी। दीदू, दीदू उसे क्या बताती? दीदू अभी छोटी है, क्या समझेगी? अपने मरने का मैं सोच भी नहीं कर सकी। क्या हुआ? उठना पड़ा, संभलना पड़ा। क्यों? क्योंकि संभालना था पापा को, कीरू को। छोटा सा एक्सीडेंट। आपको कहीं चोट तो दिखाओ, चोट लगी आपको कहीं? मैं ठीक हूँ। तो कह दिया सब ठीक है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
रात को जब मैं अकेली होती हूँ तो वो चोटें उभर आती, डर लगता है, कांपने लगती हूँ। वो अंधेरे से जो कभी मेरे अंदर होता है और कभी बाहर, हर रात यही होता है, वही डर माँ, बहुत डर, घुटन, तड़प, एक सेहरन सी दौड़ जाती है। दीदू क्या हुआ, क्या हुआ? वो अंधेरा नहीं, दीदू अंधेरा नहीं, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर सवाल देखती हूं तो अपने अंदर का डर छुपाना पड़ता है। तुमने कहा था ना, हिम्मत रखना, घबराना नहीं घबराऊंगी। घबराहट हुई तो हिम्मत रखूंगी। सोचती हूं कि हर पल इस डर में क्यों जीती हूं, जैसे सबको पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों शर्मिंदा, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं की थी, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। माँ आज आपको गए 1 साल हुआ, घर में पूजा थी, सब आए थे, मुझसे पूछा गया शादी कब करोगी, मैंने कहा अभी नहीं, कभी नहीं कहने की हिम्मत नहीं हुई, फिर भी अगले दिन ताऊची रिश्ता लेकर आ गए। कहने लगे लड़कियां तो शादी के लिए हाँ कहने में शर्माती ही हैं, क्यों कोई नहीं समझ पाता कि ना कहने का मतलब ना है। शादी का नाम सुनते ही घबराहट होती है, बिना अपनी सच्चाई बताए, अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताए, मैं रिश्ता जोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मिस्टर विशेष देवयानी ठाकुर, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, नो, मेरा जवाब है नहीं। और बताया तो क्या, कौन समझेगा, यही तो सोचे ना दुनिया की कि मेरी ही कोई गलती रही होगी, मैंने ही ध्यान नहीं रखा होगा, मैंने ही लक्ष्मण रेखा पार की होगी, या किसी ने मुझे दोषी नहीं भी माना तो हमदर्दी ही दिखाएगा। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी, किसी की दया, किसी की आंखों में अपने आप को बेचारी नहीं देखना है मुझे। कोशिश कर रही हूं, तनका तनका खुद को जोड़ रही हूं, हादसों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं, आज से एक नई शुरुआत की कोशिश करूंगी, हार नहीं मानूंगी, बहुत रो चुकी अब और नहीं। मां आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सब बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधती हैं। हर साल मैं यही सोचती थी कि मुझे कोई भाई क्यों नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं, मुझे भी भाई चाहिए जो मेरी रक्षा करे, सबसे यही तो सुना था, अब ऐसा नहीं सोचती, अब समझ लिया अपनी रक्षा आप करूंगी, सिर्फ मैं नहीं हर लड़की को इस काबिल बनाऊंगी कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी लड़की के साथ ना हो। अब हर लड़की सबसे पहले राखी अपने आप को बांधे, अपनी मदद खुद करे। आत्मरक्षा आपको अपनी ताकत को पहचानना सिखाती है, सिखाती है कि लड़ाई बाजुओं से नहीं अपने दिमाग से जीती जाती है। असली ताकत दिमाग है, अक्सर हमला होने पर हम चौंक जाते हैं,
पैनिक करते हैं क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। आत्मरक्षा आपको तन के साथ साथ मन से भी तैयार करती है। डर आपको अपाहिज बना देता। डरो नहीं, कोई छेड़े तो घबराओ नहीं, कोई गलत छूके जाने लगे तो शर्माओ नहीं, आवाज उठाओ, हिम्मत दिखाओ। वो कायर है, तुम दबाकर भाग जाएगा। वैसे तो सब ठीक है, पापा है, कीरू है, मेरी दुनिया यही है, दिन कट जाता है, पर रातें, हर रात खुद को वहीं खड़ा पाती हूँ, चाहे जितना आगे बढ़ जाऊं, पर वो रास्ता मुझे उस कार में घसीट कर ले जाता है, और बार बार वही होता है जो कहने को बस एक बार हुआ था। रोज रोती हूँ और रोज खुद ही अपने आप को चुप कराती हूँ। तुम होती तो समेट लेती मुझे। काश मैं अपनी जिंदगी से भी वो दिन, वो तारीख फाड़ कर फेंक सकती, ताकि 5 जुलाई मेरी जिंदगी में फिर कभी लौट कर ना आ सके।